छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने जिले में मौसम में आए अचानक परिवर्तन और शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। ऐसे शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त आईसीएसई सीबीएसई नवोदय और केंद्रीय विद्यालय जिनमें नर्सरी प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाएं सुबह की पारी में संचालित हो रही हैं उनके समय में परिवर्तन कर विद्यालयों का संचालन समय प्रातः 9 बजे से निर्धारित किया है। दूसरी पाली की समय सारणी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सभी विद्यालयों को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। जी सर, किस तरह से आदेश जारी हुआ है सर बच्चों को लेकर के ठंडी को देखते हैं? आजकल सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, अचानक मौसम परिवर्तित होता है। अभी बूंदाबांदी भी हुई, कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, जिसके कारण छोटे बच्चों के लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि उनका समय जो है 9 बजे से रखा जाए। बच्चे छोटे होते हैं, उनको सुबह सुबह ठंड में आने में दिक्कत होती है, इसलिए प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के लिए समय परिवर्तित किया गया है। इसमें से समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालय हैं और CBSE के विद्यालय हैं, ICSE के विद्यालय हैं, सभी के लिए 9 बजे किया गया है। जबकि जो दूसरी शिफ्ट है, अगर कहीं 2 शिफ्टें चलती हैं तो दूसरी शिफ्ट यथावत अपने समय पर संचालित होगी। केवल प्राथमिक शिफ्ट के लिए, पहली शिफ्ट के लिए जो है समय परिवर्तित किया सर। बहुत से स्कूल होते हैं जो अपने समय को नहीं बदलते और बच्चों को ठंडी में जाना पड़ता है सर, तो इनके लिए किस तरह से आप निगरानी रखें? अब ये कलेक्टर साहब ने आदेश किया है तो ये तो उनको मानना पड़ेगा। अगर कोई नहीं मानता है और हमको जानकारी मिलती है तो ऐसे हम सर को अवगत कराएंगे और उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई प्रस्तावित की।